नमस्ते लर्नर्स, कैसे हो आप सब? आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश रेगुलरली। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी में आज्ञा और विनती कैसे करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम किसी को कैसे आज्ञा करें। तो स्टार्ट विथ हाउ टू ऑर्डर समबडी। अगर हमें कहना है कि तैयार रहो तो हम कैसे कहेंगे? बी रेडी, बी रेडी। अगर आपको किसी को कहना है यहाँ देखो तो आप कैसे कहोगे? लुक हियर, लुक हियर। अगर आपको किसी को कहना है वहाँ जाओ, अगर आपको किसी को कहना है वहाँ जाओ तो आप कैसे कहोगे? गो देयर, गो देयर। अगर आपको किसी को कहना है मुद्दे पर आओ तो कैसे कहोगे? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अगर आपको कहना है काम करना बंद करो तो आप कैसे कहोगे? स्टॉप डूइंग वर्क, स्टॉप डूइंग वर्क। अगर आपको कहना है देर मत करो, विलंब मत करो तो आप कैसे कहोगे? डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। अगर आपको कहना है व्यर्थ की बातें न करो तो आप कैसे कहोगे? डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। अगर आपको कहना है आपका समय व्यर्थ न करो तो आप कैसे कहोगे? डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको कहना है आवाज़ मत करो तो आप कैसे कहोगे? डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। अगर आपको कहना है भूलना मत तो आप कैसे कहोगे? डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। तो ये थे सभी आज्ञा व आज्ञा के वाक्य। अगर आपको इन्हीं वाक्यों को विनती के रूप में कहना है तो आप कैसे कहोगे? इन सभी वाक्यों के पहले आपको प्लीज़ यह शब्द लगाना होगा। तो वाक्य कैसे होंगे? अगर आपको विनती करनी है कि तैयार रहो, कृपया तैयार रहो, तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ बी रेडी, प्लीज़ बी रेडी। अगर आपको किसी को कहना है कृपया यहाँ देखें तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ लुक हियर, प्लीज़ लुक हियर। अगर आपको कहना है कृपया वहाँ जाइए, कृपया वहाँ जाइए, तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर। अगर आपको कहना है कृपया मुद्दे की बात करें, कृपया मुद्दे पर आइए, तो आप कैसे कहेंगे? प्लीज़ कम टू द पॉइंट, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। अगर आपको कहना है कृपया काम करना बंद करें तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ स्टॉप डूइंग वर्क, प्लीज़ स्टॉप डूइंग वर्क। अगर आपको कहना है कृपया विलंब न करें तो आप कैसे कहेंगे? प्लीज़ डोंट बी लेट, प्लीज़ डोंट बी लेट। अगर आपको कहना है कृपया व्यर्थ की बातें न करें तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ डोंट टॉक रबिश, प्लीज़ डोंट टॉक रबिश। अगर आपको कहना है कि कृपया आवाज़ न करें तो आप कैसे कहेंगे? प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़। और अगर आपको कहना है कि कृपया न भूले, कृपया न भूले, तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। तो दोस्तों, ये थे हमारे अंग्रेज़ी में आज्ञा और विनती के वाक्य। फ्रेंड्स, दीज वेयर द सेंटेंसेस इन इंग्लिश फॉर ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। यू कैन रिपीट दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस हाउ टू ऑर्डर एंड मेक रिक्वेस्ट in English. I hope you are practicing regularly and watching my channel, Abhinav English. Namaste.